नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जयपुर आगरा बाईपास से दौसा जिला मुख्यालय के लिए जयपुर से दौसा आने वाले पुराने प्रवेश मार्ग को पुनः खोलकर नियमित वाहनों के आवागमन शनिवार से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए दौसा के पूर्व विधायक शंकर शर्मा लगातार सक्रिय रहकर जिला प्रशासन से संपर्क में थे और इस कट को खोलने से जुड़ी सभी तैयारियों को पूर्ण कराने की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसी का परिणाम है कि दौसा के प्रवेश के इस पुराने मार्ग को पहले की अपेक्षा अब अधिक चौड़ा कराकर डामरीकरण का कार्य करवाया जा चुका है। साथ ही हाईवे प्राधिकरण के द्वारा भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। शंकर शर्मा का कहना है कि दौसा में प्रवेश का यह रास्ता बड़ा पुराना है और जयपुर बाईपास बनने के समय भी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी, परंतु विगत सरकार के समय इस मार्ग को बंद कर दिया गया और जयपुर बाईपास पर स्थित सैंथल पुलिया के नीचे होकर साधनों का दौसा में प्रवेश हो रहा था। नतीजन पुलिया के नीचे लंबा जाम रहने लगा। समय समय पर जनसुनवाई के दौरान आमजन और विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में इस कट और प्रवेश मार्ग को खोलने की मांग की जा रही है। इसी उद्देश्य से प्रशासन से लगातार इस प्रवेश मार्ग को खोलने के लिए मांग की और लगातार संपर्क जारी रखा। इसी का परिणाम है कि आज इस प्रवेश मार्ग को खोलने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आगामी 15 जून से विधिवत इस पर आवागमन शुरू कराना प्रस्तावित है।